अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रिव्यू लेके हैं एलजी कंपनी की 10 के जी वॉशिंग मशीन का। इसके मॉडल नंबर की बात करें तो इसका जो मॉडल नंबर है 1066 है, और इसके अलावा मुकम्मल टच पैनल के साथ आती है, आप देख सकते हैं। और किसी भी वॉशिंग मशीन से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, उसके अलावा लार्ज एलईडी मिल जाती है जो आपको बता देगी कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है किस तरीके से वर्किंग कर रही है। और इसका जो डोर है वो आप देख सकते हैं जो कि हाइड्रोजन डोर में आपको मिल जाती है। और इसकी इनसेट की बात कर लें तो इसकी इनसेट जो है वो कुछ इस तरीके से आती है, आप देख सकते हैं। इसकी ड्रम की बात कर लें तो ड्रम एलजी कंपनी का हमेशा से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जो कि क्रिस्टल ड्रम कहा जाता है। इसमें आपको ये वाले फ़िल्टर मिल जाते हैं, और इन फिल्टरों में ये बात है कि सिर्फ आपको एलजी कंपनी से ही मिलेगी, जबकि अनदर कंपनी में आपको किसी भी किस्म के जो फिल्टर है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये गुलाई में होते हैं। इनका जो साइज़ है, इसका जो साइज़ है वो एक स्पेसिफिक साइज़ है जो उन्होंने दिया है, जो इसके अलावा अनदर किसी भी फिल्टर में नहीं लगेगा। और इसका कंपनी में तो सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको रोटेटर भी मिल जाती है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो कपड़े हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते। और इसके बिल्कुल बॉटम पे आपको टॉप पे एक फ्लावर मिल जाता है, जैसे कपड़े रिंगल फ्रे भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी डिटर्जेंट बॉक्स की बात कर लें तो यहाँ इसका डिटर्जेंट बॉक्स और सॉफ्टनर वगैरह आप डाल सकते हैं। और साइज़ की बात कर लें तो साइज़ इसका 10 kg है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोग्राम की, तो इसमें आपको हैवी का प्रोग्राम मिल जाता है। जिस तरह ही आप ये ऑन करेंगे तो इसकी लाइट है वो इंडिकेट करेगी। इसके अलावा नॉर्मल लाइट यानी कि लाइट का प्रोग्राम ये, और सॉइल लेवल का, और इसके अलावा जो इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें आप गर्म और ठंडे पानी दोनों से कपड़े धो सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गीज़र का जो पाइप है वो आपको लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा इसके वाटर लेवल की बात करें तो वाटर लेवल 1 to 10 लीटर इसमें आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको सोक का, वॉश का, रेंस का फीचर मिल जाता है। वॉश की बात कर लें तो वॉश टाइम जो है वो 3 मिनट से 25 मिनट है। उसके अलावा रेंज की बात कर लें तो 1 to 4 इसमें आप जो रेंज है वो लगा सकते हैं, डिपेंड करता है वेदर पे। इसके अलावा एयर ड्रायर का फीचर मिल जाता है, जो कि सर्दियों में काफ़ी काम का फीचर है, जो कि आपको 70 to 80% कपड़ों को ड्रायर करके देता है। इसके अलावा हाई, मीडियम, लो स्पिन आप चला सकते हैं, जो कि अनदर कंपनी में ये ऑप्शन नहीं होते। नॉर्मल, वोल्ट, इसके अलावा डेबिट, साइलेंट और नॉर्मल क्विक का जो फीचर होता है वो मिनिमम उसमें आपको जो टाइम है वो 15 मिनट मिल जाता है। एक्स्ट्रा क्लीन का फीचर मिल जाता है, जो कि बड़े कपड़े के काम आता है। उसके अलावा टप क्लीन का फीचर मिल जाता है, और इसके जो बटन हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके अलावा ऑन ऑफ का बटन आपको मिल जाता है। फ्रंट की बात कर लें तो फ्रंट इसमें आपको मेटालिक ग्रे कलर में मिल जाता है। 10 ईयर इसकी वारंटी मिल जाती है। इसकी बॉटम की बात कर लें तो इसके बॉटम पे आपको फोटोस मिल जाते हैं, जिसमें जो साइज़ है वो 2-3 इंच आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी की बात कर लें तो बॉडी इसकी मेटालिक सिल्वर कलर में आपको। इसके अलावा एक्सेसरीज की बात कर लें तो इसमें आपको 2 पाइप मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, गर्म पानी के लिए, एक ठंडे पानी के लिए। और इसके अलावा आपको इसका ड्रेन का पाइप मिल जाता है। और इसके अलावा अगर एक्सेसरीज की बात कर लें तो इसमें आपको बुक मिल जाती है, किस तरीके से वर्किंग करेगी ये बताया गया है। वारंटी की बात कर लें तो वारंटी इसकी 10 ईयर है, और इसमें आप दुनिया के काफ़ी ज़्यादा ममालिक में इसके में आपको सर्विस सेंटर मिल जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको टेलीफोन नंबर मिल जाते हैं सर्विस सेंटर के, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सील नंबर मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको इंपोर्ट के यानी कि स्मगलिंग का स्टॉक जो कहा जाता है वो भी मिलता है, लेकिन उस पर ये कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होते। इसकी बैक साइड की बात कर लें तो आप देख सकते हैं, ये इसका हॉट पानी का इनलेट है, और ये ठंडे पानी का इनलेट है। उसके अलावा वायर की बात कर लें तो वायर जो है वो आपको 2 पिन मिल जाती है, जिसमें अर्थ का आउट भी दिया गया है। इसकी बैक साइड की बात कर लें तो उसकी बैक साइड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जबकि जो कि लोकल वॉशिंग मशीन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और इसके अलावा इसमें आपको डायग्राम मिल जाता है। इसकी वॉट्स की बात कर लें तो वो बैक साइड पर नहीं लिखे, लेकिन ये 400 से 500 वॉट की होगी, जिसे आप आसानी UPS पर भी चला सकते हैं। और इसके अलावा बैक साइड पर आपको सीरियल नंबर मिल जाता है। इसकी प्राइस की बात कर लें, इसकी मार्केट में जो प्राइस है, रिटेल प्राइस, वो 145 है। और इसके अलावा आप इसे कैश ऑन डिलीवरी मंगवा सकते हैं। 10 ईयर इसकी आपको वारंटी मिल जाती है। कीमत की बात कर लें तो कीमत इसकी काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है, जबकि तमाम वॉशिंग मशीनों की कीमतें हैं लोकल वो भी प्लस हो चुकी हैं। LG की क्वालिटी हमेशा से आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो दी जाती है। और इसके अलावा इसके जो पैनल है वो आप किसी भी मशीन से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, जबकि लोकल वॉशिंग मशीनों में ऐसा पैनल नहीं आता। लार्ज में आपको LED मिल जाती है, और इसमें इसके अलावा आपको चाइल्ड लॉक मिल जाता है और टाइमर मिल जाता है। इसमें आप किसी भी किस्म का जो प्रोग्राम है वो लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।